ऐसा कलयुग आएगा, नवंबर 2016 में छुट्टा कहां से लाएगा। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी लो। टमाटर ले लो, प्याज ले लो, ताजा वाली सब्जी ले लो, सब्जी। मच्छी 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 मैंने बोला था ना, मेरी मच्छी सबसे अच्छी। अर्ज किया है, हर साल जब सर्दियां आती है, हर साल जब सर्दियां आती है तो लोग अपने घर भागते हैं। इस साल जब सर्दियां आई तो लोग एडीएम भागे। यार थोड़ा सा, थोड़ा सा कंधे से हाथ हटाओ। मैं यहीं बैठा हूँ। भैया ये तो रोज का हो गया है, मैं बहुत दूर से आती हूँ। हाँ अम्मा, मेरा तो आने जाने का खर्चा ही 200 रुपए हो जाता है। अरे अम्मा बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? कहा बताऊँ बेटा, बिना कुछ खाए भी एटीएम की लाइन में लगते हैं और पैसे भी। ये लो चाय पियो। गोभी तो फूल बेचेगा आज वो। कहा बताए अम्मा, ई सब सुनके तो हमारा दिमाग हिल गया था कि यहाँ बैठे चाय का ठेला लगाए या वो एटीएम की मशीन से पैसा निकाले। हमको तो लगा कई पैसा पानी में। बाबू को बजा, बाबू को बजा।
मैंने कुछ नया नहीं किया है, बस अपने अवस टेक्नोलॉजी यूज की है। हमारे बिजनेस को कैशलेस करने के लिए बहुत सारे मोबाइल एप्स अवेलेबल हैं, जिनका यूज करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर हमारे कंट्री को कैशलेस करने में हेल्प करते हैं। So, we would like to say that in such tough situations, every citizen of our country should stand up and participate for the betterment of our country and make India, as we call, East or West.